आज अक्षय तृतीया का शुभ दिन है और इसी शुभ दिन से चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। पिछले दो सालों से कोरोना की वजह से ये यात्रा नहीं हो पा रही थी, इस बार यात्रा बड़े स्तर पर होने की संभावना है। आपको बता दें कि आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। गंगोत्री धाम के कपाट सुबह 11:15 बजे खुलने वाले हैं और वहीं यमुनोत्री धाम के कपाट दोपहर 12:15 बजे खुलेंगे। 5 मई को बाबा केदार की डोली केदारनाथ धाम पहुंच जाएगी और इसके बाद 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट भी खुलेंगे। वहीं सरकार भी इस यात्रा को लेकर पूरी तरीके से एक्टिव है। सरकार ने इस यात्रा के लिए यात्रियों की संख्या को निर्धारित कर दिया है और बद्रीनाथ धाम में एक दिन में 15,000 श्रद्धालु पहुंच पाएंगे। केदार धाम में एक दिन में 12,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। गंगोत्री के लिए हर रोज 7,000 श्रद्धालु निर्धारित किए गए हैं। वहीं यमुनोत्री के लिए हर दिन 4,000 श्रद्धालु दर्शन कर पाएंगे। ये संख्या सीमित कर दी गई है श्रद्धालुओं की। और उधर माँ यमुना की डोली यमुनोत्री धाम के लिए रवाना हो चुकी है। आर्मी बैंड की धुन और विधिवत परंपरा के अनुसार माँ यमुना की डोली रवाना की गई है। ठीक 8:30 पर भाई शनिदेव महाराज की अगुवाई में रवाना हुई डोली माँ यमुनोत्री की। और माँ यमुना की डोली में पूर्व विधायक केदार सिंह, वर्तमान विधायक संजय डोभाल भी एक साथ डोली उठाते हुए दिखाई दिए। डोली यात्रा के साथ तीर्थ पुरोहित और सैकड़ों श्रद्धालु भी यहाँ पर मौजूद रहे, उसी की तस्वीर दिखा रहे हैं। जब माँ यमुना की डोली यहाँ से रवाना की गई उसी वक्त की तस्वीर है। वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक भी यहाँ पर मौजूद रहे, साथ ही बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो इस पल का, इस क्षण का इंतजार कर रहे थे। देखिए चारधाम यात्रा की आज से शुरुआत हो रही है और सबसे पहले गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे। उससे पहले मां गंगा के उत्सव डोली भैरव मंदिर से गंगोत्री धाम पहुंच चुकी है। अपने मायके मुखबा से कई पड़ाव से गुजरकर गंगोत्री धाम पहुंची है मां गंगा की उत्सव डोली और श्रद्धा का सैलाब किस तरीके से यहाँ पर उमड़ा है उसी की तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु और जो इस डोली यात्रा में शामिल हुए, मुखबा से कई पड़ावों से गुजरती हुई ये माँ की डोली आगे बढ़ रही है। और चलिए गंगोत्री धाम से हमारे सहयोगी रवि कैंत्रा जुड़ चुके हैं। वो सुबह से आपको हर एक तस्वीर दे रहे हैं, हर एक जानकारी वहां की आप तक पहुंचा रहे हैं, हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं वहां पर। रवि, 11:15 बजे का वक्त है जब गंगोत्री धाम के कपाट खुल जाएंगे, बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। श्रद्धालु कितनी बड़ी तादाद में वहां पर पहुंचे हुए हैं और कितनी रौनक है गंगोत्री धाम की, जरा दिखाइए और बताइए। बिल्कुल दीपा, देखिए माँ गंगा के तट पर एबीपी गंगा है और हर एक तस्वीर को अपने श्रद्धालुओं के लिए दिखा रहा है, खास तौर पर उनके लिए जो चारधाम यात्रा में किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए हैं। अब माँ गंगा की उत्सव डोली मुखवा अपने मायके से कल दोपहर में रवाना हुई थी और वो डोली जो है, जो इस वक्त ठीक हमारी स्क्रीन पर है, वो अब यहाँ पर गंगोत्री धाम में पहुँच गई है। अभी तकरीबन 1.5 घंटे से कुछ कम का वक्त बाकी है जब ये कपाट खुलने हैं और ऐसे में अभी जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं वो माँ गंगा की इस डोली का, माँ गंगा की जो आशीर्वाद है वो अभी यहीं पर ले रहे हैं। अभी पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना का कार्यक्रम यहाँ पर जारी है और माँ गंगा की उत्सव डोली जो उनके धाम पर पहुँच चुकी है उसको अभी जो है सामने रखा गया है और अभी जो तमाम जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हैं वो माँ के दर्शन जो है यहाँ पर कर रहे हैं। आप इस तरफ देखेंगे तो कई देव डोलियाँ हैं जो माँ के इस दर पर पहुँचती हैं और इन देव डोलियों की अपने आप में एक अलौकिक छटा है, एक अपना एक महत्व है और जिस तरफ भी जो श्रद्धालु होते हैं उनको आशीर्वाद देती हुई ये डोलियाँ दिखाई देती हैं। ये बहुत ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो बहुत कुछ जो है हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और तमाम चीज़ों को भी दर्शाती हैं और जो चली हुई जो परंपराएं आ रही हैं चार धामों से उनसे जुड़ी हुई हैं। जो यहाँ पर जो श्रद्धालु पहुँचते हैं उनको आशीर्वाद देती हुई ये देव डोलियाँ दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जो तमाम लोग ये बहुत दूर दूर से आए हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। कुछ लोग काफ़ी कल यहाँ पर पहुँच गए थे, अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं। माँ गंगा के जयकारे आप देख सकते हैं, माँ गंगा की जयकारे हैं और अभी कपाट खुलने में वक्त बाकी है लेकिन उससे पहले अभी बाहर ये इंतजार कर रहे हैं। हम कह रहे थे कि उम्मीद है कि रिकॉर्ड श्रद्धालु आएंगे और देखिए किस तरीके का उत्सव, किस तरीके का एक उल्लास है श्रद्धालुओं में जो यहाँ पर आए हैं। माँ गंगा के जयकार यहाँ पर देखने को मिल रहा है और माँ गंगा के जयकारों का यही उत्साह जो है श्रद्धालुओं में लगातार देखने को मिल रहा है और पूरी भीड़ है क्योंकि जब हम सुबह तस्वीरें दिखा रहे थे बहुत कम लोग थे लेकिन अब देखिए कितने श्रद्धालु जो है पूरे प्रांगण में यहाँ पर आए हैं और माँ गंगा के जय जयकार के साथ। नहीं, अब उपचुनाव अपने टाइम से होगा और अपने, चूँकि
चंपावत क्षेत्र की महान जनता का मैं बीच में वहाँ अभी जब से उस सीट पर चुनाव का हुआ है तब से मैं 3 बार जा चुका हूँ। उस क्षेत्र की जनता का प्रेम देखकर उनका आशीर्वाद देकर अभिभूत हूँ। मैं संकल्पबद्ध हूँ कि आने वाले समय में चंपावत क्षेत्र हिंदुस्तान के नक्शे पर आएगा। वहाँ पर पर्यटन का क्षेत्र हो, चाय का क्षेत्र हो, अनेकों क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें असीमित समय हैं। हम उन सभी पर काम करेंगे।